भैया ये अजमेर रेलवे स्टेशन पर गर्मियों में इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए जो अपने यात्री है, रेल यात्री जितने भी हैं, उनको गर्मी में परेशानी ना हो, पानी की समस्या ना हो, इसलिए IRCTC और डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था अजमेर में इन्होंने एक इनिशिएट लिया है और इसके तहत अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP थाना की तरफ जो है अपना, यहाँ पर जो अपने अनरिजर्व कैटेगरी उसमें जो आते हैं डिब्बे में लोग आते हैं, सामान्य कोच में जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था करी है। निःशुल्क जल सेवा है जिससे क्या इस गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है और हाइजीन के साथ साथ हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत ज़रूरी रहता है जिससे कि उनको लंबी लंबी दूरी के रास्ते के सफ़र करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हमारी ये सोच है कि भैया इस तरह से हम लोग निःशुल्क पानी की सेवा करके लोगों की इस पानी की समस्या का कम से कम ट्रेन में उनको दिक्कत ना हो। कब से कब तक कौन सी संस्था है और क्या कार्य है? भैया ये अजमेर रेलवे स्टेशन पर गर्मियों में इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए जो अपने यात्री है, रेल यात्री जितने भी हैं, उनको गर्मी में परेशानी ना हो, पानी की समस्या ना हो, इसलिए IRCTC और डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था अजमेर में इन्होंने एक इनिशिएट लिया है और इसके तहत अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP थाना की तरफ जो है अपना, यहाँ पर जो अपने अनरिजर्व कैटेगरी उसमें जो आते हैं डिब्बे में लोग आते हैं, सामान्य कोच में जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर पानी की व्यवस्था करी है। निःशुल्क जल सेवा है जिससे क्या इस गर्मी में लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़रूरी है और हाइजीन के साथ साथ हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत ज़रूरी रहता है जिससे कि उनको लंबी लंबी दूरी के रास्ते के सफ़र करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हमारी ये सोच है कि भैया इस तरह से हम लोग निःशुल्क पानी की सेवा करके लोगों की इस पानी की समस्या का कम से कम ट्रेन में उनको दिक्कत ना हो। कब से कब तक रहने वाला है? ये भी अभी तक ये विचार किया गया है कि अभी सोमवार से इस चीज़ को सेवा को शुरू किया गया था, लगभग महीने भर तो ये सेवा चलने वाली है यहाँ पर।